बहस, लड़ाई, झगड़े, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं और शायद ही दुनिया का कोई इंसान हो जिसकी किसी और से कभी बहस ना हुई हो या लड़ाई ना हुई हो। अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है या होती रहती है तो बधाई हो, आपके पास इस बात का सबूत है कि आप इंसान हैं और आप पूरी तरह से नॉर्मल हैं। आप में कोई कमी नहीं है और आप पागल तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप कभी लड़िए मत या बहस मत करिए, लेकिन जब आपकी किसी से बहस हो या किसी से लड़ाई हो तो कोशिश करिए कि आप अपने शब्दों को थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए और कभी भी ऐसे शब्द मत बोलिए जो फांस बनकर दिल में चुभ जाएं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा और हो सकता है कल आपकी लड़ाई खत्म हो जाए या आप दोनों को किसी कारण से एक साथ काम करना पड़े। उस वक्त एक दूसरे के लिए कहे हुए तल्ख शब्द आपको एक साथ काम नहीं करने देंगे और बार बार वो शब्द एक दूसरे को शर्मिंदा करते रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको उन शब्दों के लिए और साथ काम करने के लिए दूसरे लोग भी ताने मारने लगें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारे बड़े नेता इस नियम को मानते हैं और वो कभी भी किसी दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं पर एक लिमिट से आगे कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते, क्योंकि वो जानते हैं कि कल का कोई ठिकाना नहीं है और हो सकता है कि कल हम सामने वाले नेता की पार्टी में चले जाएं या वो हमारी पार्टी में आ जाएं और तब हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं साथ रह करके काम करना होगा। इस बात को बशीर बद्र साहब ने क्या खूबसूरती से कहा है। उन्होंने कहा था, दुश्मनी जमकर करो मगर इतनी गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हूं। मैं आप सबसे भी यही कहूंगा कि जब आप लड़िए या बहस करिए तो पूरी शिद्दत से करिए, लेकिन अपने शब्दों में इतनी गुंजाइश जरूर रखिएगा कि फांस दिल में ना चुभे, या कल को आप दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और यही आज का विजडम है। ये विजडम कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा दीजिए ऐसे ही वीडियो हर दिन देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।